बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दोबारा फिर उसी जगह पर ले आना हूँ जहाँ पर पहले मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी। तो ये जो आपको मेरे पीछे कमाद नज़र आ रहा है, ये उस वक्त काफ़ी हद तक दूर कमाद था, लेकिन अभी जो है मैं देख रहा हूँ बहुत हद तक ये दरिया के अंदर जो ज़मीन है ये बह गई है। और दरिया का अगर इधर आप सेम वही भाव चेक करें, पानी का भाव चेक करें, असल इस जगह पर आपको सही पानी का भाव पता चलेगा, क्योंकि पीछे जो वीडियो बनाई थी वहाँ पर पानी का सही भाव पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस दफ़ा चेक करें पानी का भाव बहुत तेज़ है। ज़मीन इस जगह पर पानी का भाव बहुत तेज़ है और ज़मीन की कटाई जो वो बदस्तूर बरकरार है। तो यहाँ के जो लोकल लोगों से मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो पानी जब कम होता है, जब पानी की सतह कम हो जाती है तब इसकी कटाई ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, पानी की जब सतह ऊपर आ जाती है तब इसकी कटाई नहीं होती। तो अभी वो अपना थोड़ा सा लेवल नीचे गया है, तो लेवल नीचे जाने की वजह से यहाँ पर कटाई बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। लोगों की जो बेहतरीन ज़मीनें हैं, ज़ेर काश ज़मीनें हैं, वो धड़ाधड़ दरिया अपने अंदर समा रहा है। तो ये अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमा कर अगर मैं आपको इधर दूसरी साइड पर दिखाऊँ, अच्छा ये आपको जितनी जगह नज़र आ रही है ये इस साइड पे, ये देखें ये अली वाली, यहाँ से लेकर ये आगे आप पीछे तक चलते जाएं तो इधर तक, ये सारी जगह जो है ये दरिया ने अपने अंदर समाई हुई है। बेसिकली ये सारी ज़रखेज़ ज़मीनों की जगह है। ये जो आपको रेत के टेले नज़र आ रहे हैं यहाँ तक, ये भी इसकी हद नहीं है, इससे ज़्यादा आगे इसकी हद है। अगर यहाँ पर हम दूसरा किनारे की तरफ देखना चाहें तो हमें दूसरा किनारा शायद ही नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर दरिया ने बहुत ज़्यादा जगह जो है ना वो अपने अंदर समाई हुई है। आप एरिया चेक करें, जब हम पहले यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर दरबार था, जो दरबार बेसिकली नहीं था, वो निशानी के तौर पर उन्होंने ईंटें वगैरह रखी हुई थी और वो ईंटें उन्होंने यहाँ से उठाई थी। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ये नज़र रेत वाली, यहाँ से उन्होंने ईंटें उठाई थी, यहाँ पर दरबार था, लेकिन ईंटें उठा कर तकरीबन समझ ले यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन यहाँ से आगे एक दिन में इतना देखें वो ईंटें वगैरह इसके अंदर बह गई हैं और अब कोई ईंटों का यहाँ पर नामो निशान बाकी नहीं है। अच्छा, जब ये ज़मीन गिरने लगती है तो इसकी ये निशानी है, ये देखें, ये जो आपको दरार नज़र आ रही है ये इसकी निशानी है कि अभी ये 5 या 10 मिनट के अंदर ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये दरिया के अंदर गिरने लगा है। अच्छा दोस्तों, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ये कमाद की फसल जो अभी आपको नज़र आ रही है ये काफ़ी आगे समझ ले तकरीबन 50 फुट या 100 फुट इतना तकरीबन मेरे ख्याल में फासला होगा जहाँ पर ये कमाद की फसल थी। अभी तो बिल्कुल ये ख़त्म हो गई है, लोगों ने काफ़ी हद तक कमाद काटा जितना वो काट सकते थे, लेकिन अभी ये काफ़ी हद तक बाकी है। तकरीबन 7 किले आए, 7 किले मकई आई, और की चीज़ मुंजी आई, मुंजी भी डह गई, ठीक हो गया। तो एक कमान वगैरह वढ़ दे क्यों पर, मतलब है उन बिल्कुल नार लग गया तो वढ़ा लिया कर रहे हैं आवाम हमदी वढ़ दी नहीं उन्हें जड़ी तुसे वढ़ाई कर रहे हो अपने कल करते पो या आवाम मतलब जेड़ा आके वढ़ जेड़ा आके वढ़ ठीक हो ए मतलब एक किस्म दा जाया ही गया। हां जाया ठीक हो गया। अच्छा जी, ये दसो भाई तुसी जदों ए तुम्हारे मकान आ गए ने पानी विच ओदे तुसी हुन केड़ी जगह ते जा रहे हो? सर जा रहे हैं मिनू वाला स्टाप है जी, सियाल मोड़, सियाल मोड़ सरगोदर लाल बड़ा ले ची जी ते जिम्मेदार है जी, ओ सर रकमा दित्ता जी 3000 रु 5 5 मरले जी ओसी ते मकान ठा रहे। अच्छा अच्छा, ओ सामने नाल ही दिखदा दो फरलांग ते ओ भी दरिया दी रेंज विच ही है, दरिया दी रेंज विच। अच्छा, ओते भी सैलाब दा खतरा बरकरार है जी, बरकरार है। अच्छा, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर धान की फसल मौजूद थी, लेकिन अब नहीं है क्योंकि इन लोगों ने कच्ची फसल ही काट ली है ताकि वो चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कमाद की फसलें सारी ज़ाया जा रही हैं, धान की फसल जो है ये इनके जो साल भर की कमाई होती है वो सारी ज़ाया जा रही है। तो इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन प्रेस